अच्छा तो हम चलते हैं। हवा में रोक दी इन्होंने। सब हाथ जोड़ो, भगवान हम करते हैं। आंसू आ रहे हैं। अरे भाई 200 ज्यादा ले लियो। उतार दे। गाइस पता है परफेक्ट मॉर्निंग किसे कहते हैं? जब ठंडा ठंडा सा मौसम हो, अमेजिंग व्यू हो और एक ब्यूटीफुल आपके साथ हो। हाय ब्यूटीफुल। हाय गाइस। और पता है मॉर्निंग थोड़ी सी खराब कैसे कर सकते हैं? जब एक ये आपके साथ हो। आज मैं ऊपर देखो, कल मैं था नहीं तो बोलता ही घोड़े चला था। और आज मैं उठाया ना इसको, इसने मेरे को भी मारा इसने बहुत तेज उठाने के लिए। तेरे को आज मैं पूरे व्लॉग में तंग करूंगा, तू टेंशन मत ले भाई। तूने मेरी नींद खराब करी तूने आज। इसने इसलिए मेरे को जल्दी उठाया ताकि मैं अच्छा सा व्यू ले सकूं परफेक्ट लाइट में। अभी एकदम परफेक्ट लाइट है सुबह की, तो चल ठीक है मैं माफ़ करता हूं तेरे को आज। नीचे है ना ईमू है, वो ऑस्ट्रिच जैसी दिखने वाली बर्ड होती है ना वो, अभी हम जाएंगे नीचे देखने के लिए। ये है हमारे रूम्स जो कि अरेबिक थीम पर हैं। गाइस पता है क्या, अभी हम आराम बाग में, और इस प्रॉपर्टी के बारे में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था जब मेरे को कृतेश ने बताया था इस प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर एक ही लोकेशन पे पुष्कर के बीच में बहुत सारे थीम्स पर रूम्स बने हुए हैं, लाइक पर्शियन रूम, ट्राइबल रूम। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था यार कि एक ही प्रॉपर्टी पे इतने सारे रूम्स एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। तो अभी तो मैं डबल एक्साइटेड हो गया हूँ कि मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले हमारा एक स्वीट सा वेलकम हुआ था, जल्दी से जाके वो देखिए। विष्णु यत्र बाधिशन तुना सम्मा विष्णु चबेर निर तो सबसे पहले हम नीचे वाली जगह पर जा रहे हैं। भाई कैसा देख रहे हो ना, बिल्कुल यशी की जैसे। सो गाइस बेसिकली दिस इज चौपाटी डे। यहाँ पर ना शाम को बेसिकली बहुत अच्छे से लोगों को ना डेजर्ट वगैरह सब सर्व होता है। किसी ने बेसिकली शायद यहाँ पे बैठ करके खा सकते हैं। सी देखो सिटिंग अरेंजमेंट्स। हाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे यशी ठेला लगाएगी। किसका लगाएगी यशी ठेला? चौपाटी पे चौपाटी मैं लगाऊंगी। मैं तो पताशी बेचूंगा। पताशी कृतेश पताशी वाला ऑटो वाला साहब ऑटो। यशी तू आइसक्रीम? हाँ नहीं गोला 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 गोला। अरे मशीन भी है यार। अरे यार रुक जा रुक जा कृतेश, मशीन भी है। अरे यार चलती नहीं है। अरे यार बंद है भैया, हम आ जाए अंदर। चल चल सूरजपाल सिंह। इस मैं डायरेक्ट दूध पी रहा हूँ। गाय माता आशीर्वाद। बहुत ही टेस्टी दूध है और दूध मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है। इसी तू भी ट्राई कर ले। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय बोल दो सबको। ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, और मेरे को हेल्दी खाना मिल जाए उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होता। तो अभी ब्रेकफास्ट में हम कर रहे हैं फ्रूट्स, पोहा, ब्रेड एंड बटर और मेरा फेवरेट मिल्क, और यशी पी रही है कॉफ़ी और मिक्स फ्रूट जैम भी। कॉफ़ी और जैम, पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन पी रही है। और ये तीन शेक हैं इसके लिए। चॉकलेट शेक ब्रेकफास्ट में भी, चॉकलेट शेक नजर मत लगा। ये कृतेश ही करता है। कृतेश को मोटा होना बहुत जरूरी है ना, हमने उसको बोला है तुझे मोटा रहना है। यू लुक क्यूट। ये मेरी साजिश है, ये मेरी साजिश है। कृतेश ने मुझे ब्रेड और बटर बना के दिया, बहुत अच्छा था। अभी यशी बनाकर दे रही है मेरे को, फिर मैं बताऊंगा दोनों में से किसने सबसे अच्छा बनाया। टेस्ट तो मेरे को पता है, मेरा अच्छा है। क्या लगा सूरज आपको? कृतेश ने ज्यादा अच्छा बना के दिया था, इसमें तो एक्स्ट्रा बटर वगैरह लगा दिया तो अजीब सा लगा। तूने बोला था दो बटर, मैं से खुद बोला था मेरे लिए एक और बटर लगा दे। तो हम एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके बता दो कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं पहले ट्रैक्टर सवारी के लिए। हाँ। और उसके बाद कैमल सवारी भी है, उसके बाद केबल कार भी है, बहुत सारा फन बहुत है सारा आज। उसके बाद हम आपको सब कुछ घुमाएंगे, हमारा रूम भी बताएंगे, और उसके बाद फिर और बाहर बहुत सारा घूमने जाने चलो। तो ये है हमारी बग्गी जिसमें आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं गाँव में ट्रैक्टर सफारी का मजा लेने के लिए। चलो माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर भी जाने वाले हैं हम। घोड़ा मिल गया, घोड़ा मिल गया, घोड़ा।
बीच में गांव के और हमारे को यहीं पर कैमल्स भी मिल गए हैं, तो अभी हम यहीं पर एक बार एक बार पहले हम आपको व्यू दिखाएंगे और ये कैमरा पैनिंग देखो, व्यू देखो, व्यू देखो जरा देखो, कल आपको पानी दिखाया था और अभी पानी भी दिखाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फसा। ओके तो मैं आगे बैठू, तू आगे बैठी, मुझे नहीं पता, मैं घोड़े पे बैठा हूँ। यहाँ से पकड़ो आप दीदी के कमर से पकड़ो, ऐसे पीछे झुक कर रहना। भैया क्या, भैया ने बोला दीदी की कमर पकड़ो। भैया यार मैं तो गिर जाऊंगी भाई, बैलेंस करो बैलेंस। अरे भैया ऐसा लग रहा है हम जैसे एकदम टॉप फ्लोर पे पहुंच गए। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, बाप रे डर लग रहा है। किले किले और स्लाइडिंग कर रहा है भैया, यार ये तो इतना ज्यादा हिल रहा है, क्या पकड़ूं मैं? 5 मिनट रेटोगे ना आपका डर खुल जाएगा। हां हां चल चल चल, डरे मत डरे मत डरे मत डरे मत, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। हॉर्स राइडिंग कर रहा है वो, देखो वो भैया से कंपटीशन करूंगा। ओ ये चलो सूरत, तुझे मौका मिल गया मेरे साथ बैठने का। यस भैया ने बताया क्या बोला, इसका कमर पकड़ के बैठो। पर मैंने इसको बोला अगर तूने मेरी कमर पकड़ी तो मैं लात दूंगी सीधा, नीचे जाएगा तू। तू तो मारो भाईओ छे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओ भैया गिर जाऊंगी मैं, नहीं गिरोगे, बस डर लग गया। भैया इसका नाम क्या है? रोमियो। रोमियो, रोमियो? हमारे कैमल का नाम है रोमियो, जस्ट लाइक सूरज। रोमियो और जूलियट ऊपर भी बैठे हैं। भाई मेरी तो सास ऊपर नीचे हो गई थी। आप सभी को खम्मा घड़ी, और आपको कमेंट में लिखना है घड़ी खम्मा। दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल रावण हत्ता, और ये रेगिस्तान में एक बार आप देख सकते हो कितना प्यारा मैं आप लोग कमा रहे हैं, और पगड़ी पहन के, तो आप सभी के लिए बहुत प्यारा सा म्यूजिक। मेरे को नहीं आता डांस। You have to guess the song. Song guess करके बताओ कौन सा चल रहा है। ओ घर आजा पर अभी cannot control. वो तेरी मेरी एक जिंदगी। कैमल सफारी ऊपर है, लेकिन हमने कैमल राइड कर ली, तो सफारी करने का, कैमल के ऊपर बैठने का ज्यादा मजा है, सफारी में ज्यादा मजा नहीं होगा। तो कैमल राइड मिल गई तो मजा आ गया इसमें। अभी हम जा रहे हैं होटल वापस से ट्रैक्टर हमारी बग्गी में बैठ के, और उसके बाद हम आपको पूरा दिखाएंगे वहाँ का। हम पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत तेज धूप हो गई इधर रेगिस्तान में, गर्मी गर्मी बहुत तेज है इधर। तो अभी हम सीधे होटल पे जा रहे हैं और थोड़ा रेस्ट करके देन आपको पूरा होटल घुमाएंगे। अभी हम वापस से होटल पे आ चुके हैं, पूरे होटल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये 80 बीघा में फैला हुआ है और इसको पूरा घूमने में 45 मिनट्स लगेगा। तो लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उनको यहाँ पर बग्गी से उनके रूम तक पहुँचाया जाता है। तो अमेजिंग, मतलब राजस्थानियों की बचपन से आदत थी ठाट बट की। तो देखो हमारे यहाँ पे पूरा ऐश आराम मिल रहा है। अब एक स्विमिंग पूल, बेस्ट पार्ट गाइस, अभिषेक तो आता ही हमारे स्विमिंग पूल के लिए, पहले कहीं भी जाओ तो स्विमिंग पूल चाहिए उसको। गाइस गाइस गाइस, यहाँ का व्यू है ना, पूरा पूरा माउंटेन्स दिखते हैं सामने, बेस्ट। अभी तो फॉग भी है तो बहुत प्रिटी, एंड लाइक ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत पे आ गए। आप यहाँ पर अगर स्विमिंग पूल में चिल करोगे ना, एक स्विमिंग पूल में चिल, और सामने लोकेशन ये है ट्राइबल रूम, इसको बिल्कुल पुराने टाइप का हट वाला, ऊपर देखो जो हट पूरा वही फील लगता है ना, वो उससे कवर किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा पुराना फील लग रहा है, एकदम झोपड़ी वाला फील एकदम। तो अंदर से देखते हैं कैसा है ये। ओके नाइस नाइस, बहुत अच्छा है, और ये बहुत ठंडा है रूम। हाँ, काफी बाहर टेम्परेचर काफी हाई है, लाइक मतलब धूप है बहुत तेज, लेकिन ये ऊपर जो हट वाला सीन है उसकी वजह से बहुत ठंडा है। ये जो पुराने जमाने में टीवी आते थे ना, ये वो है। तो आप इस रूम में जैसे एंटर करोगे आपको यही लगेगा दैट यू नो सडनली समथिंग हैज चेंज्ड, और एकदम पुराने टाइम में वापस चले गए। एक और चीज टाइप का रिच घर, ऊपर देखो एक बार, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर रिच घर, ऊपर देखो ड्राइंग्स बनी हुई है, बनी ठनी राजस्थान की जो फेमस पेंटिंग है उनमें से एक, बनी ठनी और वो सब डांस वांस करते हुए सुंदर सा। तो अभी हम पर्शियन प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। मैं इसके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ये पर्शिया के मॉन्यूमेंट्स है जो इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं,
अपन सब चीज अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब 16 सेंचुरी में पर्शियंस आए थे और उसके बाद अपन ने उनका कल्चर भी यहाँ डाल दिया। एक्चुअली आई थिंक कॉपर की है बोले को, इसको तो एक ही चीज दिखती है पूल। बट यार रूम पे एकदम पूल फेसिंग हाउ प्रिटी यार। ओहो जैसे तेरे कुछ कह रहे नाउ इनको तो बस जहाँ देखो ना मूवमेंट मिल जाता है। ऐसे हो गया अभी हम इजिप्शियन कोर्ट में जा रहे हैं। This is nice. Amazing. इन्होंने गेट पे भी पूरा इजिप्ट थीम को ध्यान रखते हुए गेट डिजाइन किए। ये लैंप्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ये देख रहे हो ये कुछ इजिप्शियन सिंबल्स है, मुझे कह रहे था पता नहीं है बट ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। पूरा ऐसा लग रहा है कि उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। यहाँ पे तो डस्टबिन भी इजिप्ट साइड पे है। बहुत सही। ये जो ये बना हुआ है ये वो इजिप्शियन लोग जो होते थे वो कुछ पहनते थे वैसा कुछ है। क्या पता अपन इजिप्ट जाए कभी। मैं लेके जाऊंगा तेरे को। हां मैं पक्का लेके जाऊंगा तेरे को। पक्का लेके जाएगा? पक्का। अरे यार मैं भी चलूंगा। माँ का खाना खाना है मुझे माँ का खाना खाना है। अभी मैं इससे काम चला लेती हूँ, फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे और खुद भी मजे करेंगे। Now we are heading towards the Greek theme court. ये है Zeus, को God of Sky, Lightning और Thunder बोलते हैं। Guys इसको देख के कुछ guess कर पा रहे हो आपकी कौन सा court है? कौन सा theme है ये? बहुत ही interesting है। बहुत ही interesting है। अच्छा guess कर रही, कोशिश करना। ये होता है ऑप्शन। ओ भाई लदी लदी लद बोल दो मेरे लदी। अगर गेस कर पाए हो तो कमेंट जरूर करके बताना। चाइनीज कोर्ट है ये बेसिकली, तो यहाँ के रूम्स भी देखते हैं क्योंकि बिल्कुल पूरा वही फील आ रहा है, बिल्कुल एकदम वैसा शाओलिन टेंपल। सबसे अच्छा पता है क्या लग रहा है मुझे? वो पीछे का पहाड़ पूरा वो ऐसा लग रहा है कि पीछे का पहाड़ दिख रहा है, मतलब एकदम अलग ही लुक आ रहा है इसका। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। बहुत ज्यादा बाकी सब में जितने भी देखे उसमें सबसे ज्यादा फील वाइब इसकी यहाँ पर आया। इनकी टेबल बहुत छोटी होती है क्योंकि एकदम नीचे होती है, क्योंकि ऐसे चाइनीज लोग एकदम नीचे बैठकर और इस तरीके से खाना खाते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ खाना डिसिप्लिन तरीके से खाना चाहिए, ऐसे पांच उंगलियां यूं कर कर के यही खाना। अब बारी हमारे रूम की। गाइस वेलकम टू आवर रूम, आपका स्वागत है। हेलो गाइस ये है हमारा रूम, पूरा टेंट है ये। ये देख लीजिए ऊपर आप, पूरा टेंट वाला ही फील आता है, ऐसा लगता है कि टेंट और ये टेंट का ही कपड़ा है ये। यहाँ मत देखना, यहाँ पे हमारा सामान दिख रहा हुआ है। ये हमारा हॉल, ये हमारा कॉमन हॉल है, हमारा हॉल बहुत बड़ा है। ये हमारा छोटा सा गार्डन, ये हमारा पूल था, इन लोगों ने पूरा गंदा कर दिया था तो अभी इसमें से पानी हटा दिया है यहाँ से। रात को सबके सब है ना, रात को 2 बजे तक यही घूम रहे थे, कोई यहाँ पर छुपकली ढूंढ रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। यार ये मेरा रूम है सिर्फ, कम ऑन, दिस इज माय ओनली रूम। और सबसे मैं गंदा ये रूम था, नहीं वो तो अभी साफ कर दिया भैया ने। अरे झूठ, एकदम साफ रखा था मेरे रूम को। केशी ने होटल में भी शॉप ढूंढ लिया शॉपिंग करने के लिए, इसके साथ ट्रेवल करना बहुत महंगा पड़ता है मेरे को। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी। मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ ये इस तरीके से पड़ी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि ये कैप है। नाइस ना? Oh my God. यहाँ पर स्टाइलिंग कर रही है। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकती हूँ। ये स्टोर एक्चुअली इतना वर्सेटाइल है ना, इतनी सारी चीजें हैं, बहुत रॉयल है और बहुत अच्छे से इनको स्टाइल करते हैं। सबसे अच्छा आता विंटेज कलेक्शन लग रहा है, मतलब अमेजिंग यार। 50 कलेक्शन आई थिंक फेमस और इंटीरियर की भी सारी चीजें इतनी यूनिक सी है। ये पूरा कलेक्शन 50 ग्रुप्स का है। पता नहीं चला कब 4 बज गए और 1 बजे खाना खाने वाले थे बट 4 बजे खा रहे हैं। और यशी देखो नूडल्स खा रही है आज, क्योंकि मैं लाइट फूड रखना चाहती हूं। नूडल्स ये लाइट फूड है, कितनी बेकार है ये। और अभी हम पुष्कर का सबसे फेमस डिश मालपुआ ट्राई कर रहे हैं, यहाँ की फेमस स्वीट है ये। और गाइस एक और चीज, हमें जहाँ का भी खाना बहुत अच्छा लगता है ना, हम उस खाने के पीछे जो इंसान है ना उसको जरूर मिलकर जाते हैं। तो सर हैं जो इन्होंने इतना टेस्टी खाना बनाया, तो थैंक यू सो मच सर। आपने जो भी हमारे को दिया वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। डाइट पे फिर भी दो मालपुए फेल रहा है, छोड़ दे मेरा एक भाई कितना मोटा होगा मान जाए यार। अभी हम आए हुए हैं ब्रह्मकुंड में, यशी अभी शॉपिंग कर रही है, पुष्कर का मार्केट एक्सप्लोर कर रही है वो, तो उसका भी व्लॉग आने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ पर उसका फैशन व्लॉग भी दिख जाएगा आपको। पुष्कर फेमस ही ब्रह्मा जी के टेंपल की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही टेंपल है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इवन फोन से भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं वो नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन आप जब भी पुष्कर आएँ तो ब्रह्मा जी के टेंपल ज़रूर जाना। गाइस अभी आरती हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं माता रानी के मंदिर पे, वहाँ पहाड़ पर ऊपर टिकट ले ली है, और यहाँ पर एक जने की टिकट जाना और आना की है 140 रुपीज़ की, तो हमने 5 टिकट ले ली है। चलो
हम सफर शुरू कर रहे हैं हमारा। अच्छा ठीक है, ये तो हिल रही है भाई। ये यहाँ का व्यू कुछ हाइट से बहुत डर लगता है भाई। सूरज इसको हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये रुक गई ऊपर, हवा में रुक गई। हवा में रोक दी सब। हाथ जोड़ो भगवान, हम तो जो भी गलती हो रहा है कैमरा हाथ जोड़ भगवान, हम तो जो भी गलती हो रही है। कैसे चल रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है तेरी कसम भाई। कृतेश शरण में आ रहा है। अरे कृतेश यार, तू मेरे साथ डाल, मुझे को बाहर तू भी साथ डाल दे तू भाई प्लीज। सटल इसके आंसू आ रहे हैं। अरे भाई 200 ज्यादा ले लियो, उतार दे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है और बहुत ही प्यारा नजारा भी देखने को मिल रहा है। ये पता नहीं क्यों डर रही है बिना मतलब इतना। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ सही में आ रहे हैं, मैं बुरा जाऊंगा। फिर तू चले भाई, मुझे भाई बोल रही तो मतलब सही में बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसको। पहुंच गए। दीदी को यहाँ से व्यू एकदम टॉप पर है, हम पूरा पुष्कर दिख रहे हैं यहाँ से। गुरु बी केयरफुल, ये कहीं ले जाओ क्या पा रहा है, ये कहीं ले जाओ। अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं। इसमें ये चीज है कि ना, एक साइड अगर वजन होता है ना तो ये टेढ़ा हो जाता है कि सही में आंसू आने लग गए वापस से। हमारे साथ आते वक्त भी सेम हुआ और जाते वक्त भी सेम हो रहा है। रुक गई है वापस से बीच में। अब बात करो मेरे से, देखो पहुंचते कैसे शेर बन गई है। अब बोलो सालो, बोला था मैंने तमीज में मेरे साथ में चल लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेरे को डर तो लगता नहीं है। देखो बिल्कुल डर नहीं लगा। सूरज को लग रहा था डर, मैंने संभाल लिया उसको। ओके गाइस, सो पुष्कर इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर अस एंड हमने बहुत 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 सारा एंजॉय किया। अच्छा लगा पुष्कर, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। आई होप आप सभी ने भी हमारे साथ साथ बहुत हमने ट्राई किया कि सब कुछ हम कवर करें और आपको दिखाएं। तो अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।